घना घना थैंक यू उधार रहेगा। अरे बन्नी का थैंक यू ऐसे फीका फीका ना हो सके। जब बन्नी थैंक यू बोलेगी ना तो साथ में गुलाब जामुन देगी। अरे मारा सिल बट्टा, मारी अंगीठी, मारा चूल्हा, मारी वो कढ़ाई, अरे मारा मटका, यहाँ पे ला के आप सब ने मारा काम आसान कर दिया है। एकदम बन्नी वाली रसोई लाग रही है, पर बस बन्नी का एप्रन रह गयो। माना कि इस घर के तामझाम वाली चीजों से ना बन्नी की मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन साथ में खाने का स्वाद भी कम हो जाएगा ना। खाना ऐसा होना चाहिए कि खाते ही जुबान से निकलना चाहिए कि अरे वाह, और धुआं निकलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। सिलबट्टे पे पीसे हुए मसाले और चटनी के सामने ये मिक्सी के है। आज ना बन्नी के शादी के बाद सबसे पहला टिफिन डिलीवरी हो रहा है, तो आज बन्नी के कस्टमरों के लिए दाल बाटी चूरमे के साथ मूंग दाल हलवा फ्री। गॉड, रियली क्या है ये सभा? तुम राठौर घराने की बींदनी हो बन्नी, कोई मामली खाने के डिब्बे भेजने वाली लड़की नहीं, और कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं अड़ोस पड़ोस से चार भैंसे चुरा के बाजार में बेचने जा रही हूँ। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और ये बन्नी का बिजनेस है, याद है ना? बन्नी चाव होम डिलीवरी, चाव से पकाऊं और लाड से खिलाऊं। मारे आए दाल बाटी चूरमा, गट्टे का साग, कांदो का साग, टिंसली, शाही गोभी, शाही बैंगन, चटपटी तोरी, लसन की चटनी, युवान मीठी खीर, और साथ में मारा लाड दुलार ममता फ्री। और हाँ, आज हमारे पास 160 कस्टमर ना, 160 में से एक कम, क्योंकि अब वो तो हमारा अपना हो गया है ना, युवान। पर हाँ, कल 1.5 लाख कस्टमर ने खिलाने का सपना है हमारा। बन्नी ने शादी करके घर बदला है सिर्फ सपने ना, और ये सपना तुम्हारी माँ वाला सपना है, वो तो पूरा होने तक ही हमारे साथ रहेगा। लिसन, तुम जो अपना लो स्टैंडर्ड बिजनेस है ना, कोई भी काम लो स्टैंडर्ड नहीं होता। लेकिन लोग कितने लो स्टैंडर्ड हो सकते हैं ये मुझे दिख रहा है। अल्पना, तुम बन्नी को उसका काम करने से रोक क्यों रही हो? बन्नी को पूरा हक है अपना बिजनेस करने का, ओके? ऑल द बेस्ट बन्नी। और हाँ, रीत रिवाजों के लिए ना लेट नहीं होना, ओके? ना वो बस रीत रिवाज के लिए लेट ना होने के लिए कह रही थी। अच्छा, सूरज पश्चिम से उगने लग गया आजकल शायद। बेटा मेरी बात सुन ले, जो ना ये सब की ना जिम्मेदारी तू आज अपने सर पे ना लेना बेटा, है? देख तूने बना दिया, अब खुद पहुंचाने पहुंच मत जाना बेटे। ये बोल रहे हो दादू साहब? ना ना, ऐसा है कि वो मुंह दिखाई की रस्म में देरी हो जाएगी, इस करके बोल रहा हूँ। गोपाल शंकर भाई, तुम लोग ध्यान रख लेना, ये तुमको पहुंचाना है, समझा ना? दादो साहब, आप तो जानो ना कि बन्नी कभी भी अपने काम से और अपने जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ सके। हाँ माता, हाँ। मैं अच्छे से जानूंगा कि जो सारे कस्टमरों को खाना ना मिलेगा तो बेचारे भूख के मारे तड़पेंगे। और के और काम ने तो वैसे भी पूजा का आ गया है, और भूखों का पेट भरने से बड़ी कोई पूजा हो सके है के? इसलिए रीति रिवाज के साथ साथ काम भी चलते रहना चाहिए ना। अरे माता अन्नपूर्णा, ये दो बातों में थारे से इस धरती पर तो कोई नहीं जीत सके, एक खाना बनाने में और दूसरी बातें बनाने में। देख बेटा,
जो आज मुंह दिखाई की रस्म ना होती ना तो मैं थारे को बिल्कुल ना रोकता। तो तू एक काम कर बेटा, तू इन सबको ना अपने वो कस्टमरों की लिस्ट दे दे, ये जाके पहुंचा के आ जाएंगे। और सुनो भाई ध्यान से, ये काम जो है वो एकदम अच्छे मुस्तैदी से पार पड़ना चाहिए, कोई चूक ना होनी चाहिए। जी मालिक। हाँ बन्नी, बेटा तू अच्छे से जाने कि थारे काम करने की लगन का मैं कितना सम्मान करूं। मेरे पे भरोसा रख, मैंने थारे से वादा किया है थारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मेरा पूरा साथ रहेगा। बस आज आज की बात नहीं हो, मुंह दिखाई के रस्म के दिन मुंह छोटा ना कर, ठीक है? लिस्ट दे देंगे, ये पहुंचा के आएंगे। हाँ ना भी साहब। चल चल चल, सबस। भाभी साहब, मैं ना एकदम क्लूलेस हो गई हूँ। आप इस बंटी चाव के बिजनेस को इतना सपोर्ट क्यों कर रही हैं? आखिर चल क्या रहा आपके दिमाग में? आप क्या ये चाहती हैं कि राठौर मैंशन कल को इस बन्नी चाव होम डिलीवरी का किचन और हेडक्वार्टर्स बन जाए? पेशेंस अल्पना, पेशेंस रखो और उड़ने दो ना उसे। बन्नी जितना ऊंचा उड़ेगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब वो गिरेगी तो घाव उतने ही गहरे होंगे। मतलब भाभी साहब ये सब? ये हीरालाल कपड़े वालों के तीन टिफिन डालो। कोई टिफिन कहीं डिलीवर नहीं होगा, समझे? शंकर रुको। मैम पर ये तो बड़े साहब ने करने को कहा है। तुम्हारे बड़े साहब ना घर के झंझटों से कब से रिटायर हो चुके हैं। अब जो मैं कह रही हूँ वो करो, वरना तुम सबकी सैलरी में से ना पेनल्टी काटना शुरू कर दूंगी। अरे मैम, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। बड़े साहब को पता चला कि हमने उनके बोलने के बाद भी ये काम नहीं किया तो शायद वो हमें नौकरी से निकाल दें, और बन्नी मैम को क्या जवाब देंगे हम? जो बहाना बनाना है बनाओ, पेट में दर्द, सर में दर्द, फैमिली इमरजेंसी, जो बोलना है बोलो, पर आज इस घर से बन्नी का टिफिन डिलीवर नहीं होगा। Is that clear? पर अभी पहले देखना होगा कि हमारे वो टिफिन ठीक से डिलीवर हुए कि ना। शंकर ये रामू भाई जी कोई दिखाई ना दे रहा। जरा देखती हूँ रसोई में। बन्नी मुँह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है बेटा। हाँ पर काम से बड़ी कोई पूजा हो सके के? अरे हमारे कस्टमरों के टिफिन पहुंचे हैं कि नहीं ये हमारे को देखना होगा, हमारे को जाना होगा। हे शंभू जी, ये क्या बात है? हमारे सारे के सारे टिफिन यहीं धरे हुए हैं, हमारे कस्टमर क्या खाएंगे? शंकर भाई जी, बाहर आओ जल्दी, खाना है। पहले हमारे को हमारे ये जो टिफिन है ना हमारे कस्टमर तक पहुंचाना होगा, हमारे को जाना है अभी। अरे नहीं पन्नी तिलन, शुभान का वादा है कि तुम्हारा कोई भी कस्टमर ना ऐसे भूखा नहीं रहेगा, तुम आओ तो सही, सरप्राइज है। मतलब समझाऊंगा तुम आओ ना पहले जल्दी, आओ तो सही। देखो जी, ये तो नंदू सा है। नंदू सा? अरे हाँ बिस्नुड़ा, और वो देख अपने भगवान भाई सा, और वो सुमेर भाई सा, अरे ये तो अपनी काकी सा है, वो बस्ती वाली। सुहाग सदा अमर रहे थारा।
मैंने अपने हाथों से सिलाया था हरी बन्नी के लिए। बन्नी ये ले, मैंने अपने हाथों से इसमें लेस पट्टी लगाई है। थैंक यू काकी सा, ये तो बड़ी चौकी है। लाडो ये मारे शादी के झुमके तेरे लिए। चीची बस्ती के कीड़ों को यहाँ किसने बुलाया? हमारे मोदी खाई के बारे में इन्हें बताया किसने? बन्नी दुल्हन तुम खुश तो हो ना? ये मैं शायद ही कभी हुई होंगे। सच्चे? हाँ, थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू। वो याद है तुम वो शंकर और गोपाल को कह रही थी ना सारे टिफिन टाइम पे पहुंच जाने चाहिए, तो मैंने सुना, मैंने शंकर और गोपाल को जाके पूछा भी था तभी। ये क्या 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 ये बन्नी चा होम डिलीवरी के टिफिन क्यों नहीं डिलीवर हुआ तक रामू? वो यान मना मारे पेट में दर्द हो रहा है ना। अच्छा, और ये गोपाल, ये गोपाल मारे को हॉस्पिटल लेके जा रहा है तो इसलिए नहीं हो पाएगा। दोनों नहीं जा सकते तो। बताओ बन्नी दुल्हन, अगर टिफिन डिलीवर ही नहीं होते तो फिर तो बन्नी चाह होम डिलीवरी का नुकसान हो जाता है, नाम खराब हो जाता है ना। तो विवान ने ना, विवान ने दिमाग लगाया। मैंने विष्णु को बोला कि विष्णु तुम कस्टमर्स को यही बुला लो। इसी बहाने क्या होगा ना, इसी बहाने तुमने जो खाना बनाया है उनके लिए वो खाना भी खा लेंगे और बन्नी दुल्हन की मुंह दिखाई है तो उस रसम के मजे भी ले लेंगे, बन्नी चा होम डिलीवरी का नाम भी खराब नहीं होगा और बिजनेस और बढ़ता जाएगा। बस्ती ही क्यों, पूरे शहर को बुलाना चाहिए था ये बार, क्योंकि जैसी मुंह दिखाई तुम्हारी बन्नी दुल्हन की आज होगी वैसे तो किसी ने कभी देखी ही नहीं होगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।